पुरी जिला निमापड़ा थाना आलीपिंगल गाँव में अघटन गाँ निकटस्थ पोखरी में भासुवा डंगा आने को जा पा बुड़ दुईज शिशु प्राण हर दुई शिशु हेले शक्ति साहू साईराम बारिक उभयों बयस सात और दस वर्ष पानी में बुड़ जाता देख दुई नाबाड़क निमापड़ा मेडिकल को अणाइला हेले डाक्तर सेठे उभयों मृत घोषणा कर घटना को नहीं निमापड़ा अंचल शोकाकूल परिवेश सृष्टि होइछि। आज कार्तिक पूर्णिमार एक बड़ अघटन घटी एवं जोभली भाव में पोखरी में बुड़ दुई नाबालकों जीवन जाइए जनकर बयस सात वर्ष और आउ जनकर बयस दस वर्ष डंगा देखा कि आज कार्तिक पूर्णिमार डंगा भासुवा डंगा को आने को एभली गोटे दुखद घटना घटी जोभली भाव में गाँव में शोकाकूल परिवेश सृष्टि शोकर छा खेली जाइए भाव में दुई जनकर जीवन जाइए पानी में बुड़ शक्ति साहू और साईराम बारिक ये घटना घटी पुरी जिले पुरी जिला निमापड़ा थाना आलीपिंगल गाँव में यह अघटन घटी गाँ निकटस्थ पोखरी में भासुवा डंगा को आने को जा दुईज नाबालक पानी में बुड़ प्राण हर शक्ति साहू और साईराम बारिक उभयों बयस हो सात वर्ष और दस वर्ष जिते पानी में बुड़ जाते स्थानीय लोक मैंने उद्धार करते परवर्त समय निमापड़ा मेडिकल को अणाइला किंतु सेठे डाक्तर दुहं को मृत घोषणा करतीक पूर्णमी में यह गोटे दुखद घटना को लेकिन दुखद खबर को लेकिन स्थानीय अंचल शोकाकूल परिवेश सृष्टि हो भासुवा डंगा को आने को जा चलीगला दुईज जीवन पानी में बुड़ उभयों मृत्यु होभली दुखद अभावन घटना घटी निमापड़ा अंचल मृत दुई नाबालक दुईज एवं जनकर बयस हो सात वर्ष दस वर्ष यह स्थानीय अंचल शोकाकूल परिवेश सृष्टि तेरे पानी में बुड़ दुई नाबालक मृत्यु जनकर बयस सात वर्ष एवं अन्य जनकर बयस हो दस वर्ष पोखरी में भासुवा डंगा को आने को जा दुईज एवं पानी में बुड़ी दुईज जीवन जाकु देखी स्थानीय अंचल शोकाकूल परिवेश सृष्टि पोखरी में बुड़ जा दुई नाबालक मृत्यु हो पोखरी में भासुवा डंगा आने को जा बुड़ जाइथिबार कहुची एभली हृदय विदारक दुखद घटना घटी पुरी जिला निमापड़ा थाना अंचल तो आज एक पवित्र दिन कार्तिक पूर्णिमा एवं आज स्थानीय अंचल उत्सव मुखर होता समस्ते डंगा भसाई डंगा भसाई सरपर डंगा को आने को जाते दुई छोट पा एभली गोटे अभावन घटना घटी पोखरी में भासुवा डंगा आने को सेने जाते असावधानतार जो से पाद खसी जाता और फल मृत्यु हो परवर्ती खबर को आसवा आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग बंधा हेले नयागढ़ रणपुर ग्राम्य उन्नयन विभाग सहकारी निर्वाही जंत्री ऋषिनाथ बराल ऋषिनाथ को गिरफ्त करिछि विजिलेंस विभाग एथसहित ऋषिनाथ को आय बहिर्भूत संपत्तिर आकलन करिछि विजिलेंस प्राथमिक आकलन अनुसार ऋषिनाथ को संपत्ति 2.7 कोटी टंका हेबो बोली कहिछि विजिलेंस एथसह ऋषिनाथ को घर 35,000 टंका मूल्य पुराना 500 टंकिया नोट भी जबत कर गतकाली ऋषिनाथ को चारोटी ठिकणा रे चढ़ाउ करिथिला विजिलेंस राज्य में बढ़ुच्च वज्रकाप्ता और काती चोरा चलाण कारबार राज्य बाहर को लंबी चेर आज मयूरभंज पुलिस पंझारे पड़ते 13 जन चलाणकारी करंजिया रेंज गोलई छक निकट में वज्रकाप्ता काती चलाण नहीं कौन सूत्र खबर पाई वन विभाग खबर मुताबक वज्रकाप्ता काती बिक्री नहीं डिल चली पुलिस और वन विभाग आज गोलई छक निकट में चढ़ाऊ करता सेठ विपुल परिमाण वज्रकाप्ता काती जबत करने 13 जन अभियुक्त को गिरफ्त कर भद्र करंजिया झारखंड आसी बेपारी वज्रकाप्ता काती नहीं डील करुथिले बोली सूचना मिली नुआपड़ा सद्भावना सभागृह में चलित वर्ष खरीफ चाषर धान क्रय नहीं जिलास्तरीय धान क्रय कमिटी बैठक अनुष्ठित नुआपड़ा जिलापा अध्यक्षतार यह बैठक अनुष्ठित होता नुआपड़ा विधायक राजेन्द्र ढोलकिया समेत कलाहांडी सांसद बसंत पंडा खड़ियाल विधायक अधिराज पाणिग्राही प्रमुख जोगदे चलित मस 29 तारीख धान मंडी खोलने सर्वसम्मति क्रमे तारीख निर्धारित होथर नुआपड़ा जिलार 74 मंडी खोलने स्थिर होती मंडी धान उठाई 27 मिलर्स को दायित्व
एथरा जमीदी से भली नहे बस सेथिपई गुरुत्व देबा को विधायक सांसद कहछंती हमर मंडी रो आरंभ हेबार डेट आमे डिसाइड कले प्राय ऑलमोस्ट माने आमे डिपार्टमेंट को एटा हेबे पठाइबा किंतु प्राय 29th नवंबर रु मंडी ऑपरेशंस आरंभ हो जिला रे और हमर जिला रे वर्ष 36,000 टिके ऊर्ध चाषी माने रजिस्टर करिसेंती तांकर धान बिक्री करबा लागि और हमर चेष्टा रहिबे कि आमे हमर पैक्स माध्यम रु WSHG माध्यम रु जति कि ऑलमोस्ट 74 मंडी ए वर्ष करा जाय छी जिला रे पैक्स और WSHG मंडीज मिसै के 29 तारीख दिन रो आमे धान प्रोक्योरमेंट आमर जिला रो चाषी मान को प्रोक्योरमेंट आरंभ हेबो और ट्रांसपोर्टिंग नहीं करे भी समस्त मिलर मान को निवेदन कराई कि जिते टार्गेट मंडी रो थी सेम डे ही से टार्गेट से धान तक उठाई से एक्स्ट्रा ट्रक लगे कर भी से धान उठाई कर चाषी मान को एवं जिला प्रशासन को सहयोग करते मंडी रे कटनी छटनी नहीं हो गनी बेगर व्यवस्था ठीक हिसाब से चाषी को जोगे दिया जाओ चाषी के मंडी हैरान हरकत हवा नहीं चाषी पाई जहाँ आवश्यकता इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाओ एवं चाषी न्याय पाऊ एवं उचित समय रे तार मूल्य पाऊ उचित समय रे तार धान बिक्री करू जेन दिन तार टोकन अछे से दिन बिक्री करबार व्यवस्था हो विज्ञान युगरे अंधविश्वास मनर तृप्ति पाई घंच जंगल ले पहाड़ उपरे तपस्या अखिया अपिया 8 दिन हला बसिछंती तपस्या रे एभले घटना सामना कसिछि नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक अंतर्गत नागरा डंगरी ग्राम रे सूचना अनुसार गाँ निकट पहाड़ पादेश 2 वर्ष तले एक शिवलिंग मिलता यापर ग्रामवासी उक्त स्थान में शिवलिंग को पूजार्चना करते तेज 8 दिन तले हठात गांव नागरा डंगरी पहाड़ में नांगा भैरव निकट तपस्या बसते एने खबर प्रसारित होगापर ताक देखापी विभिन्न अंचल लोकों सुअ छुटे लगी किसी लोक तपस्यारत जोगी निकट में पहंच पूजार्चना कर देखा मिली अच्छे आज्ञा शिव मंदिर जाक रही जाए शिव मंदिर देवी मंदिर रही जाए आज्ञा नागभैरव देवी भी अच्छे आज्ञा से उपरे केते देवादेवी भी अच्छा आज्ञा राति सारा बस आज्ञा ताक देखापी केते लोक भी आज्ञा तापर आज्ञा आम भी ये आसिक श्रद्धा मुंडिया मार्चु आज्ञा शरीर पवित्र पाई से नागभैरव डोंगरी उपरे आसिक से जोगी बस ভাগ ভালুর কিছু ইয়ে নাই যে সে ভগবান আশ্রয় বসছি তাকে ভাগ ভালু এলে তাকে কিছু করে পারবে না কি সাপ কিংবা যে কোনো হিংস্র জন্তু মধ্যে তাকে কিছু করে পারবে না এটা আদিবাসী মানুষ ভিতরে রয়েছে সে মানে ভগবান সহ সরল হৃদয়ের লোক আউ কিভাবে সহজে প্রাপ্তি হবে ভগবান দর্শন পাইবে আউ তাঙ্ক সহিত কিন্তু ভগবান মিলন হব সেপাই সে সাধনার নিজক কষ্ট দিয়ে উপবাস ফাস্টিং করে সে বসছেন বিভিন্ন সময় জঙ্গল যাইকি যোগী সাধনা এসব রূপরে বসুঁচ নিজের স্বার্থ সাধন নিমন্তে গোটে ঘৃণ্য কার্য বিজ্ঞান যুগরে মেডিকাল সাইন্স এত দূর গলা আইভাবে পরিস্থিতি এই যে ধর্ম নামে কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস কু নেই এই লোক ভুয়া বুলাউছেন কিছু ব্যক্তি বিশেষ ব্রেক ফেল হবার ঘাটি ওলটিলা টমাটো পছে ট্রক অল্পকে পড়লে গাড়ির ড্রাইভর হেল্পর কেন্দুঝর জেলা টাউন থানা 49 নম্বর জাতীয় রাজপথ জোড়িয়া ঘাটি নাসিক রু কলকাতা যাওয়া বিলাতি পছে ট্রক ভারসাম্য হারাই ওল্টি পড়বার লক্ষাধিক টঙ্কার বিলাতি বাহারে পড়ি নষ্ট হয়েছে রাস্তায় বিলাতি পছে চারিআডে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়িবার কিছু সময় ধর জাতীয় রাজপথে যাতায়াত বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল দুর্ঘটনায় ড্রাইভর এবং হেল্পর সামান্য আহত হয়েছেন ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছবা পরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାର୍କ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁକ୍ତା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ 69ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ମତାମତ ନେବା ପରେ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଯୋଗେଶ ସିଂ, ମହିଳା ଦଳ ଉପସଭାପତି ସୁନିତା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ମମୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନରେ 5,86,00,000 59 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।